आइए हम लोग अब समझते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन। आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, या E1 से कहाँ पे पहुँच गया, जब ऊर्जा का अवशोषण किया तो E2 में पहुँच गया। और जो ए वाला था ये क्या किया, जब ये यहाँ से पहुँचा तो यह ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पहुँच गया, या बी से या E1 से E3 में पहुँच गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला गया तो वहीं पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पर 10^-8 सेकेंड रुकता है। क्या रुकता है, कितना समय रुकता है, वो वहाँ पर 10^-8 सेकेंड रुकता है, और रुकने के बाद से वह पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला आता है। चलिए आइए हम समझते हैं यहाँ पर इसको कैसे, यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल हैं, एक ये हो गया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये आपका है E1, ये आपका है E2, और ये आपका क्या है, ये है E3। अब यहाँ पर एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, ये सब क्या किए हैं, ये ऊर्जा का अवशोषण कर करके अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुँच चुके हैं। आपने इसके पहले देखा, पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कितना समय रुकेंगे, या यहाँ पर 10^-8 सेकेंड रुकेंगे, और रुकने के बाद से क्या होता है कि वह पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटेंगे। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटेंगे लौटेंगे। अभी पहुँचे हैं, जब ये पहुँचे हैं तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर कितना समय रुकेंगे, 10^-8 सेकंड रुकेंगे, और रुकने के बाद से क्या होगा कि वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आएंगे। जब वो लौटेंगे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, जब यहाँ पे लौटेगा तो क्या करेगा, यह जितना ऊर्जा यह अवशोषित किया था उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज किस रूप में करेगा, विकिरण या फोटान के रूप में ऊर्जा को रिलीज कर देगा, मतलब ऊर्जा को यहाँ से उत्सर्जित कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। कितना कितना करेगा, जैसे मान लीजिए एच फोटान के रूप में है, तो ये अगर ये E2 और E1 के मध्य हो रहा है तो ये E2-E1 के बराबर ऊर्जा को मुक्त कर देगा, या और ये कितना करेगा, ये जब लौट करके नीचे आएगा तो यह E3-E1 के बराबर ऊर्जा को यह विकिरण के रूप में रिलीज कर देगा, मुक्त कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्जा का उत्सर्जन कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, यह ऊर्जा का उत्सर्जन है। इसी के साथ साथ जो इमिशन है, इमिशन दो प्रकार का होता है, जो उत्सर्जन है, जो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्सर्जन है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है, एक को हम बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन, क्या नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं स्वतः उत्सर्जन, और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग, दूसरे को बोलते हैं हम लोग उद्दीप्त उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन। जैसा कि आपने देखा उद्दीप्त उत्सर्जन, जैसा कि आपने देखा अभी इसके पिछले वाले वीडियो में कि इस जो उद्दीप्त उत्सर्जन है, ये शब्द जो है लेजर के नाम में छिपा हुआ है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, इसको स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं, इसको भी इसको स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। आइए हम समझते हैं कि स्वतः उत्सर्जन क्या होता है। स्वतः उत्सर्जन में क्या होता है, इसको हम बताएं आपको कि स्वतः उत्सर्जन क्या है। स्वतः उत्सर्जन में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने ऊर्जा को ग्रहण करके वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुँच गया। वहाँ पे रुका कितना, 10^-8 सेकेंड, और 10^-8 सेकेंड रुकने के बाद अपने आप स्वतः ही वह निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आया। इसको किसी भी तरह का इंस्पायरेशन या किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल हम इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाले हैं,
ये क्या हो रहा है, ये सेल्फ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से प्रकाश को अवशोषित करके, प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, तो वहां से वहां 10^-8 सेकेंड रुकने के बाद वह पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है, और जो ऊर्जा उसने अवशोषित किया था उसको प्रकाश के विकिरण के रूप में उसको उत्सर्जित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को स्वतः उत्सर्जन कहा जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्वतः उत्सर्जन, मतलब ये अपने आप होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट चीज़ क्या है, उद्दीप्त उत्सर्जन, जिसको हम नाम देते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। आइए हम स्टिमुलेटेड इमिशन को समझते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, जैसा कि आपने देखा कि ये दो एनर्जी लेवल हैं, एक एनर्जी लेवल यह है और एक एनर्जी लेवल यह है। ये जो है E1 है और ये क्या है, E2 है। यहाँ से कोई मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ पर पहुँच गया है, अपने एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में है। ये कितना एनर्जी, यह h nu एनर्जी, ये किसके बराबर है, यह E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ये कितना, ये इसके पास कितना एक्सटर्नल ऊर्जा है, इसने E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा का अवशोषण किया है। जब यह E1 से E2 में पहुंचा हुआ है तो हम उसी दौरान क्या करें कि हम इसके ऊपर हमें कोई इसी एनर्जी के बराबर का कोई फोटान इसके ऊपर हम लोग आपतित करा दें, मतलब टकरा दें। तो जब ये इससे टकराता है तो क्या होता है कि यह जो है अब ये नहीं देखेगा कि हमको यहाँ पे 10^-8 सेकेंड रुकना है कि नहीं रुकना है। जैसे ही ये फोटान इससे टकराता है वैसे ही क्या होता है कि वह एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से तुरंत ही वो क्या होगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, और जो ऊर्जा इसने अवशोषित किया था उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, मतलब इमिट कर देगा। तो एक तो यह हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा तो जो हम लोग इसको इंसिडेंट कराए हैं ये वाला हो गया। तो ये दोनों एक साथ जो है कला संबंध होते हैं, मतलब कला संबंध स्रोत होते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि इस उत्सर्जन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा था इसको बाहरी फोटान के द्वारा हम लोगों ने स्टिमुलेट किया, मतलब उसको उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित किया गया। हम लोगों ने क्या किया, उसको कहा, उसको प्रेरित किया किसके द्वारा, इस बाहरी फोटान के द्वारा। तो इस प्रकार का उत्सर्जन जो होता है उसको हम नाम देते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन। क्या नाम इसका है, उद्दीप्त उत्सर्जन। फिर से सुन लीजिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, तो यदि उसी समय उसकी जो ऊर्जा ग्रहण किया है उसके समतुल्य किसी फोटान को उसके ऊपर आपतित करा दिया जाए तो वह तुरंत ही ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा को मुक्त करके निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला आता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को उद्दीप्त उत्सर्जन का नाम दिया जाता है, इसको हम लोग उद्दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। ओके, अब ये जो यहाँ से जो जो फोटान यहाँ पे निकलते हैं, जो ऊर्जा यहाँ से अवशोषित, जो फोटान निकलता है और जो फोटान इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, दोनों आपस में कोहरेंट होते हैं, कला संबंध स्रोत होते हैं। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, दो फोटान हो गए। अब ये दोनों फोटान क्या करेंगे, उस परमाणु में घूमेंगे। जब उसमें घूमेंगे तो ये दोनों मिल करके पुनः जो है अन्य दो को स्टिमुलेट करेंगे। एक ने क्या किया, ये जो पहला वाला था, या एक ने क्या किया, जब एक ने इसको स्टिमुलेट कर, दो हो गए। अब ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, पुनः जो है दो अन्य को अपने ही साथ स्टिमुलेट करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये दूसरे, ये तीन मिलकर के फिर छः को अपने पास स्टिमुलेट करेंगे। और सभी क्या होते हैं, सभी कला संबंध होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर दिखाया, हम आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ने क्या किया, दो को, एक एक था तो दो हो गए, दो से चार हो गए, क्योंकि दो मिल करके दो लोगों को और करेंगे, दो को और ये स्टिमुलेट करेंगे, और ये दोनों जो हैं तो जब ये चार तो खुद हो जाएंगे, और ये चारों मिल करके अपने समकक्ष चार और फोटानों को इमिट करेंगे, तो कितना हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। फिर ये 8 मिलकर कितने को करेंगे, 16 को अपने को उसमें शामिल कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो एक चेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी।
और ये जो चेन होगा ये सभी क्या होता है, कला संबंध, मतलब सभी एक ही दिशा में ट्रेवल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब सब एक ही दिशा में अगर ये ट्रेवल कर रहे हैं, कला संबंध है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाई हो जाएगी, अति शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी इतना ही जो है, इतना ही ज़रूरी नहीं है लेज़र की प्रक्रिया के लिए, इसके आगे हम लोग समझेंगे, इसके आगे क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इतनी आसानी से ये प्रक्रिया नहीं होती है, इसको हम आगे समझते हैं। एक और हम कैसे जो है इस लेज़र की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया हम ला सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।